हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2014 में रिलीज हुई गेमा पोवरी को। ये मूवी बेस करती है एक बूढ़े टर्की आदमी पर, जिसे एक गेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो हमेशा उसके साथ गपा गप करने के सपने देखने लगता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक टर्की आदमी बड़वे को दिखाते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में रहता है और अपने पिता के बाद उसने इस बेकरी को अपनी वाइफ घेंगी के साथ संभालने लगा। फिर बड़वा ब्रेड बनाता है पर वो जल जाती है। उसकी वाइफ उसे पूछती है, तब वो बताता है वो गेंडू के बारे में सोच रहा, कहीं वो गेंडू बनने की कोशिश ना करे। घेंगी कहती है, तू अपने काम पर ध्यान दे, वो गेंडू है चूतिया नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो बड़वा गेंडू के पास जाता है। वहाँ गेंडू अपनी पत्नी गेमा छिजोरी का सामान जला रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है जानने के लिए बने रहे। गेंडू अपने घर में कुछ लेने जाता है, तभी बड़वे को छिजोरी की खपगप की डायरी मिलती है और बड़वा उसे छुपा लेता है। घर आकर बड़वा छिजोरी की एक घुसंड आत्मा कथा पढ़ने लगता है और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हमें गेंडू और छिजोरी की शादी दिखाते हैं और उसी दिन वो दोनों इस गांव में रहने आते हैं। बड़वा नए लोगों को देखकर उनके पास जाकर मिलना जुलना करता है। एक दिन गेंडू और छिजोरी बड़वे की दुकान पर आते हैं। वहाँ बड़वे का छिजोरी को देखकर खड़ा हो जाता है और मन में ही वो उसे पेलने लगता है। और एक दिन बड़वा घर आ रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात छिजोरी से होती है। बड़वा उसे इम्प्रेस करने उसे गार्डन दिखाता है पर छिजोरी उसे फ्रेंड जोन कर देती है। फिर रात को गेंडू बड़वे के घर आता है और उससे कहता है हमारे घर की लाइट चली गई है। तब बड़वा उनके घर जाकर हीरोपंती झाड़ते हुए लाइट को ठीक करने की कोशिश करता है और गलती से लाइट ठीक भी हो जाती है और वहाँ बड़वे की वाइफ घेंगी भी आ जाती है और वो कहती है, बड़वे हवस के पुजारी तू यहाँ क्या कर रहा है। तो गेंडू उसे भी पीने का लालच देकर रोक लेता है और वो रात भर साथ बैठकर पीते हुए एक दूसरे को गाली सिखाते हैं। पर बड़वा छिजोरी को खुद के साथ ओयो में इमेजिन कर रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बाद छिजोरी बड़वे की बेकरी में आती है। तब बड़वा मौके की नजाकत को देखकर उसे बोलता, ब्रेड बनाना सीखेगी क्या, मजा आ जाएगा। वो भी हाँ कर देती है और बड़वा उसे पीछे के कमरे में ले जाता है। और जब वो ब्रेड बनाती है तो पूछता है, ओयो चलेगी क्या। छिजोरी कहती है, क्या बोल रहा है रे बड़वे। बड़वा उसे 500 रुपये ऑफर करता है। तब छिजोरी अपना स्वेटर उतार कर उससे कहती है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा तो देख कर ही खुश रहे। और बड़वा देखकर ही खुश हो जाता है। और एक दिन बड़वे को घर जाते हुए एक दिन रास्ते में छिजोरी मिलती है। बड़वा उसे कहता है, 1000 रुपये दे पाऊंगा। और छिजोरी उसे कहती है, भोसड़ी की गरीब निकल यहाँ से। और वहाँ से वो चली जाती है। तभी छिजोरी को एक कीड़ा काट लेता है और वो बड़वे को बुलाती है। बड़वा कहता है, मैं जो इतना जहरीला कीड़ा, अब अगर बचना है तो मुझे जहर निकालना पड़ेगा। छिजोरी मान जाती है और बड़वा उसे बैग पर किस करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और वो ओए क्या चल रहा है, यह कहता है। तो बड़वा उससे कहता है कि मैं तो जान निकाल रहा हूँ। तभी छिजोरी बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के पास ले जाने पर वो कहता है, जा कोई नहीं है यहाँ और जा। और बाहर जाकर कहता है कि भाई साहब सही टाइम पर ले आए हो। और तभी वही लड़का भकलंड उन्हें घर छोड़ने जाता है। तब छिजोरी बड़वे के कंधे पर सर रख कर सो जाती है और बड़वा कौन से साइड पर अच्छा होटल मिलेगा सोचने लगता है। अगले दिन बड़वा अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता है, तभी वो छिजोरी और बकलंड को देखता है और सोचता है कि ये ना ले ले छिजोरी की। और एक दिन बड़वा जाते हुए रास्ते में छिजोरी की गाड़ी देखता है और उसका पीछा करने लगता है। छिजोरी बकलंड के घर जा रही है और बड़वा सोचता है कि दोस्त होंगे, पर बकलंड उसकी उछल कर लेता है। और उसी रात बड़वा छिजोरी के घर पर डिनर करता है और उसकी नज़र छिजोरी के गर्दन पर बने लव बाइट पर जाती है और सोचने लगता है कि घोड़ी या कुत्ती कौन सी पोजीशन यूज की होगी और सोचकर उदास हो जाता है। और दूसरे दिन बकलंड से कहता है, मेरे पास कूपन है पर वह जाने वाली नहीं है तो तुम ले लो। और बकलंड फिर से छिजोरी को बुलाता है और वो दोनों और एक पोजीशन ट्राई करते हैं। और बड़वा छुप कर देख कर हिलाता है और फिर अफसोस करता है, कितना गंदा आदमी हूँ मैं, फिर हिला लिया। ऐसे ही कुछ दिन बाद छिजोरी बड़वे की बेकरी पर आती है और ब्रेड वहीं रखी भूल जाती है। तब बड़वा उसे वो देने जाता है और उसे वहाँ कुछ आवाज़ आती है और उन्हें सुनकर वहीं छुप कर खिड़की से देखता है। वहाँ बकलंड और छिजोरी ग्रैंड मस्ती कर रहे होते हैं। तब छिजोरी बकलंड से कहती है कि वो उसे फ्री में देगी। यह सुनकर बड़वे का दिल टूट जाता है और फिर से वो भकलंड के पास जाती है और फिल्म प्लाव स्टार्ट करते हैं। पर छिजोरी से एक मूर्ति टूट जाती है। तब छिजोरी कहती है, मैं ठीक करवा दूंगी गेंडू से। और वो कहती है, चल यहाँ से कहीं दूर चलें। दूसरे दिन छिजोरी को एक लेटर मिलता है और वो भकलंड के यहाँ जाने लगती है और भकलंड की माँ उससे कहती है कि ये मूर्ति कहाँ गई है। तब वो कहता है, आ जाएगी चिंता ना करो, मैंने सही करवाने दिया। और फिर छिजोरी
बगलंड का मैसेज आता है, इसमें लिखा था जो भी पैसे तुमने कमाए मैं उसकी डबल चार्ज के रूप में लूँगा। और वो रोने लगती है और घर चली जाती है। गेंडू को अब चोरी पर शक होने लगता है क्योंकि वो गेंडू से भी पैसे मांगने लगी है, इसलिए वो गुस्से में थाईलैंड निकल जाता है। और कुछ दिन बाद चोरी का पुराना भी है बेलटट्टा उससे मिलने आता है। और थोड़ी देर बाद बड़वा उन दोनों को रोड पर किस करते हुए देखता है और बड़वा समझ जाता है ये बहुत बड़ी वाली है। और बेलटट्टा दूसरे दिन फिर से चोरी से मिलने आता है और वहीं गेंडू भी आ जाता है और भाग कर जाकर बड़वे से हेल्प मांगता है। बड़वे जब गेंडू के घर जाता है तब वहाँ छिछोरी मरी पड़ी होती है। उसके बाद पुलिस छिछोरी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लिए जाते हैं और गेंडू को पता चलता है कि उसकी मौत गले में लबड़ा फंसने से हुआ है। गेंडू ये बात दूसरे दिन बड़वे को बताता है और गेंडू कहता है मुझे सब पता है, मैंने बेलटट्टा को उसके लेते हुए देखा और उसको गुस्सा आया तो उसने उसे दूर हटा कर मारना स्टार्ट कर दिया। और तब बेलटट्टा वहीं आ जाता है और बताता है मैंने कहा था पूरा मत लो, उसने गले तक ले लिया पर फिर उसके फंस गया और जब तुम आए तब वो मैं दबा रहा था बस। इतने में गेंडू ने आकर मारना स्टार्ट कर दिया और उस पर ध्यान ना देने पर वो मर गई। और आखिरी में बड़वे को दिखाती हैं, उसका बेटा बताता है कि हमारे पड़ोस में रशियन लोग रहने आए हैं और बड़वा रशियन माल बोलकर उनसे मिलने जाता है। और मूवी यहीं समाप्त होती है। भाइयों सब्सक्राइब कर दो यार, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा।